बस अब बहुत हो गया, अब हम मोती को बुलाएंगे, वही सब ठीक करेगा। मोती कौन, आपकी गाय? अरे मोती किसी गाय का नाम नहीं होता। हाँ। मोती कुत्ते का नाम होता है, कुत्ते, समझे? अब हमारे थाने की केस सॉल्व करेगा कुत्ता, मोती। बिल्लू, चुप चुप रहो। मोती बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ है। अच्छा। बहुत नाम है उनका। बस एक बार वो आए, हमारा थाना देखे, थाने का वास्तु दोष निकाले, सब ठीक हो जाएगा। मनहूसियत को भगाने के लिए इतने बड़े आदमी को बुलाने का जरूरत है? पुष्पा जी, इस स्याह रात के नरभक्षी निशाचर को निकाल दीजिए। चंडाल बनकर जो बैठा हुआ है थाना के नक्षत्र पर, सब ठीक हो जाएगा, निकाल दीजिए इसको। माँ, सबसे बड़ा पनौती तो ये है निठल्ला। अरे ये हमारे थाने के कुंडली में बैठी बदकिस्मती की फफूंदी है ये, इसको आउट करो, आउट आउट आउट। भोंक दे अब, भोंक दे। थाने की एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। अब डीएसपी सर को ही ले लीजिए, उन्होंने बोल दिया ये अनशन शाम तक खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा, मतलब हम सबकी नौकरियां तो चली जाएंगी ना। एक तो डीएसपी सर का मुझे समझ में नहीं आता, इतने बार उन्होंने धमकी दी है ना कि थाना बंद हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे, अब तो मुझे खुद भी शक होने लग गया है कि मैं नौकरी पर हूँ भी कि नहीं। वेरी ट्रू। का वेरी ट्रू? तुम कौन सा एसएचओ ऑफिसर बैठा हुआ है? वेरी ट्रू, भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब तो बस एक ही तरीका है। का? जो गड्ढा खोदा है उसे भरना पड़ेगा। कैसे? हाँ, माफी मांग कर। वाह, कर लो बात। तुमको लगता है जो आंदोलित अवस्था में लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तुम्हारी माफी से मांग जाएंगे वो? हाँ, सिर्फ माफी मांगने से नहीं, माफी मांगने के साथ साथ हमें ऐसा भी कुछ करना होगा, हमें ऐसा कुछ देना होगा उन्हें जो वो चाहते हैं। क्या? इंसाफ। वही कैसे मिलेगा? असली गुनहगार को सामने पेश करके। देखो ऐसा है कि अब अगर तुमने हसीना मैडम की स्टाइल में हमारे आगे स्टाइल मारी ना, तो हमारा दिमाग ना घूम जाएगा, और बहुत घुमा हुआ है अभी। ये एक मिनट, मैं हसीन दिलरुबा जैसे बोली क्या? हाँ। हिल्ला, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहे, कभी कभी मेरे को ही नहीं पता चलता, पता है कि कब हसीना मलिक मेरे अंदर गेस्ट अपीयरेंस मार के चली जाती है। ये महतारी सुन, तू ना कुछ ऐसा जंतर मंतर फूक मेरे ऊपर, कुछ ऐसा झाड़ फूक करा, नहीं तो क्या पता असली हसीना मलिक की आत्मा मेरे अंदर घुस गई तो। हाँ पुष्पा जी, कर दीजिए ना, वैसे भी आप ये सब में एक्सपर्ट हैं। बक, नहीं नहीं, मगर वैसे भी ना हम बहुत माहिर थे नजर उतारने में। पता है लल्ला के पप्पा को भी ना हमेशा किसी की नजर लगती थी, और हम ही उनकी नजर उतारते थे। हम अभी नजर उतारते हैं। कहाँ जा रही है? नजर उतारने जा रही है। आ गई माँ, वापस आ गई। ये देखो, देखो अच्छे से देखो। बाप रे बाप, नरक से चंडाल उतार रही हैं। ये देखो क्या कर रही हैं। ओ, अरे माफ कर दो बिल्ले, वो नजर उतार रहे थे ना, तुम बीच में आ गए, हम क्या करें फिर? लेकिन माँ, नजर उतार रही हो तो आंख बंद क्यों की? अब खोल के करो, नहीं तो दूसरी आग भी। एक सेकेंड, अगर आप में मैडम सर की आत्मा आई है तो ये भी बता के गई होगी कि वो लव लेटर वाले को कैसे पकड़ना है। लव लेटर वाला तो अपने आंखों के सामने ही चल। समझ गए, सब समझ गए। आज फिर से इस महिला पुलिस थाने को हमारी जरूरत तान पड़ी है। हमारे बिना केस सॉल्व नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, क्या करना है, बस लव लेटर लिखने वाली की एक्टिंग करनी है ना, हो जाएगा। ऐसी एक्टिंग करेंगे, ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वहां मौजूद सारी महिलाओं को ऐसा लगेगा कि हम पैदाशी छिछोरे कमीने लोफर लफंगे इंसान है। बस आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ सीखना है अभिनय, तो हम तुम्हें थोड़ी मदद कर सकते हैं। ओवर एक्टिंग मत करना वहां, बिल्कुल जरूरत नहीं, लखनऊ के मनोज आज पे ही हैं हम। समय 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 के अनुसार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो चलो मोरपंख, हड़ताल रोक कर आते हैं। मोरपंख, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, हसीना मलिक, शांत 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 हो जाइए। देखिए, हम यहाँ आप सब से माफी मांगने आए हैं,
हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हमारी मंशा बस इतनी ही थी कि हम इस लड़के से एक दोस्त की तरह उसकी उम्र पे आकर एक अच्छे से उसको सही गलत सब कुछ समझाने की कोशिश करें। हमारा और कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आप सबसे माफी मांगते हैं और हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। और एक चीज, हमने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। ये है वो आदमी जिसने रश्मि को वो लव लेटर लिखा था। रॉबिन बेगुनाह है, ये है असली गुनहगार। तेरी वजह से मेरे बेटे का नाम बदनाम हुआ। मारो उसे! I'm sorry, ma'am. वो क्या करूं, माँ हूं ना, इसलिए जब बेटे पे आई तो ओवर रिएक्ट कर बैठी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मैम। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मैम, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अब देखिए ना, आज उस अमित ने मेरे बेटे पे इतना गंदा इल्जाम लगाया है, कल को कुछ और भी करेगा। जब तक वो अमित उस पार्क को अपनी प्रॉपर्टी मानता रहेगा, तब तक वो उसे पर्सनल बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा मैम। कभी वो अमित इस पार्क की ज़मीनें खुदवा देता है, कभी यहाँ पानी भरवा देता है, और कभी वो खुद ही चेयर डालकर उस जमीन के बीचों बीच बैठ जाता है ताकि बाहर कोई भी बच्चा आकर इसमें खेल ना सके। मैम, जब तक आप इस प्रॉब्लम का इलाज जड़ से नहीं करेंगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अब ऐसा ही होगा। हम हमेशा से कहते आए हैं कि बीमार पेड़ का इलाज उसकी जड़ से होता है, पत्ते छांटने से नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, जो सही होगा हम वो करेंगे जरूर। थैंक यू मैम। नहीं, आपको किसने कहा था एक्टिंग में पुष्पा जी को फॉलो करने के लिए? नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस करते ना, पुष्पा जी की तरह जैसे वो करती हैं। वैसे एक काम करो, ये ले लो पैसे और डॉक्टर के पास चले जाओ, उनको अच्छे से दिखा दो। लेकिन माँ, मुझे लगता है ना, जिस तरह से इसको कूटा गया है ना, इसको तोड़कर वापस बनाना पड़ेगा। क्या हुआ क्या दोस्त? कुछ बोलना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बाल, मुझे बताओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा पाताल अस्पताल। बताओ बताओ, बोलो बोलो मेरे भाई, बोलो, बिना बोले मत निकलो, बोलो। इसे 1000 और दे दो संतु। ठीक है, पुष्पा जी के पैसे थे, ये ले लो। ले, कैसे थर थर आ रहा है। माओ अक्कल के खुर्चे, पैर पे खड़े उसके रोएगा नहीं क्या? बोल दो। I'm so sorry। और इसे लेकर जाओ, उसको दिखाओ, जाओ। अस्पताल चल, ये पैसे भारी हो जाएंगे, मुझे दे दे। वो सब तो ठीक है, मगर ये लव लेटर असल में लिखा किसने था? और कौन लिखेगा, मेन विलन कहानी का? अमित कुमार। और कौन? मतलब बच्चों का खेल बंद कराना चाहता है, सब अपनी चलाना चाहता है वो, उसने ही लेटर लिखा है, समझो हमारी बात को। अब हमें ना उसको रंगे हाथों पकड़ना है बस। अब इस केस में हमारा साथ सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और उसका नाम है लकी पाची। लकी, अरे मैडम जी, अब लकी खेलेगा पार्क में क्रिकेट? अरे हम भी तो देखे कौन मारा के बिगाड़ लेता है। लेकिन थोड़ा आराम से चीते, क्योंकि जो अमित कुमार है ना, बहुत शाना चीज है, समझ लो हमारी बात को, बहुत तेज है ये, तो थोड़ा जो भी करोगे आराम से। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सारी टेंशन भूल जाओ, लकी है ना सारा काम संभाल लेगा, है संतु जी। चीते, ये उर्मिला की आईडी है, अपने पास रख ले। करिश्मा मैडम ने ली थी और मुझे दी थी कि वो वापस मुंबई ना भाग जाए, मुझसे गुम ना हो जाए, इसलिए तुझे दे दिए, तो प्लीज संभाल के रखना, ठीक है? और क्यूट लग रहा है। सर, सतबीर बोल, वहां टिप्पा खाना चाहिए, मार भी हमसे। हेलो, हम बॉल डालेंगे और पहले बॉल में विकेट लेंगे।
पे ना लगा, इससे किससे आउट दे दूं मैं बैट पे। एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी आ गई। पहले वालों के कल ठिकाने लगाई तो ये लौंडे आ गए, अपने पाप का पार्ट समझ रहे हैं। पिछले दो हफ्ते से आकर यहीं खेल रहे हैं, इनका इलाज करना ही पड़ेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, अगर पिछली बार की तरह वो लव लेटर वाला आइडिया निकाला ना, तो बता रही हूँ मैं सोफे पे नहीं बैठूंगी। अरे तू दिन भर खड़ी रहोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम पर बैठूंगी और उठूंगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। ये कुछ भी करे, कितना भी चिल्लाए, चिखम चिल्ली करे, कैसे भी खेले, कुछ बोल ही नहीं रहा है। सबरी सब पहला फिर हम क्या करें? रे रे बताते क्या, क्या बोल रहा है तुम? ठीक से बोलना, ठीक से बोलना, तुम कौन सुन रहा है सब? अब हम कैरेक्टर में है ना। ठीक है बिलोटे सुन, एक तो ना हलवा बॉल डाल हमको है, हम ना बॉल को भीतर मारते हैं, उसके बाद से पक्का बोलेगा वो। पहला हम हलवा काम नहीं करते। नहीं करता? ठीक है तो हम एक मेहनती काम कर देते हैं, करिश्मा मैडम को फोन करते हैं। अभी हम भारी काम करते हैं, चल। अब देखो करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम। चल चल बोल कर। लड़को बॉल लेकर आओ। लिटिल ले, बॉल तो नहीं मारा है, तू लेके आ चल। अरे अभी गेम के बीच में रूल ना बदलो, पहले तय हुआ था फील्डिंग टीम बॉल लेकर आएगी, जा पर चल लेकर आ। ये रूल नहीं चाहिए हमें, तूने मारा है, तू लेके आ चल। ठीक है मैं लेके आ रहा, रुक जा अभी, रुक जा। रहता हूँ, मारा बॉल ऊपर को चला गया, जाकर ले लूँ के। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, बॉल भी तुम्हारी है, घर भी तुम्हारा है, जाओ ले लो। धन्यवाद चाचा, रोम रोम। क्या बात हो गई सर जी, क्या गलती हो गई हमारे से? दरोगा जी यही वो लड़का जिसने हमारे घर में घुसकर हमारा महंगा मोबाइल चुरा लिया। इसने कहा ससुरा हमरा एरिया में आके चुहलबाजी कर, नाम नहीं सुना हमरा, ससुरा उल्टा लटका के पक्का उखाड़ देंगे तुम्हारा शरीर का। हैं का क्या नाम है तुम्हारा? अरे चितचोर नाम है हमारा। नाम में भी ससुरा चोर। सर जी हमने चोरी वोरी ना करा, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो इंस्पेक्टर बुला लिया तुमने? मैं बताती हूँ सबूत, यहाँ लगा है सीसीटीवी कैमरा, तेरे आने और जाने का ना सब कुछ रिकॉर्डेड है यहाँ पे। और कौन सा सबूत चाहिए है? निकाला ससुरा मोबाइल निकाला। सर जी ऐसी बात ना, हम चोर वोर ना, बड़े सभ्य खानदान से रिश्ता रखे हम। अरे इतना सभ्य खानदान से हाथ तो हमको मोबाइल दिखा दो, कहाँ रखा है? कौन सा जेब में है? ये कहाँ है? अरे कौन सा फोन? सर जी मारा वॉलेट। अब वॉलेट है तो सर जी हमारा। अबे किसका आईडी लेके घूम रहे हो बे, कौन हो तुम? तुम? अरे मेरे को ना पक्का यकीन है कि इधर किधर तो मेरे अंदर ना हसीना ऐसा घुस जाती है, मस्त ऐसा मेरे दिमाग में फुलटू ऐसा आइडिया चमकता है, फिर कौन सी जगह है वो मेरे को पता लगाने का है। ए मातारी, मातारी उठना, हटना जरा, मेरे को इधर चेक करने दे। देखो तुमको जो करना है ना कहीं और जाके करो, हमें बख्श दो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, जाओ। अच्छा सुनिए, आप वहां पर ट्राई मत कीजिए, यहां पे आके ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे अच्छे वाले आइडियाज मुझे यहीं पर आते, लकी टेबल है, आइए। सिंगाड़े एक नंबर बात बोली, हट। बहुत क्या एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे को वो हसीन दिलरुबा दिखी। हो गया चालू तुम्हारा नौटंकी, चल गया। हाँ अरे नहीं नहीं सच्ची नाटक नहीं करी, मेरे को हसीन दिलरुबा दिखी ऐसे स्माइल करते हुए, मैं मजाक नहीं कर रही है। अरे हो जाते हैं ऐसे वहम कभी कभी। अरे वहम नहीं है, सच्ची दिखी मेरे को आंखों के सामने। अरे ऐसे अंदर नहीं घुस सकते, जाओ। अरे हम मुझे नहीं पहचाना, देखो अभी कौन? अरे माँ बिल्लू। बिल्लू मैडम
गजब हो गया, गजब हो गया। का गजब? अरे वो अमित के बच्चे ने चीता पे चोरी का इल्जाम डालकर अरेस्ट करवाया। अरेस्ट किसने किया? बुलबुल पांडे ने। और बुलबुल पांडे को चीता के पास आईडी मिला है। किसका? इसका। अल्लाह, नहीं एक मिनट, ये आईडी कार्ड तो हमने संतू को दिया था। संतू? मैडम वो मैंने संभालने के लिए चीते को दी थी, सॉरी। सॉरी का बात नहीं है, उसमें नाम उर्मिला माधव मात्रे का, लेकिन शक्ल तो मैडम सर की है ना। अब उसके हाथ लग जाएगा, वो तहकीकात करेगा, एकदम तह तक जाएगा। उसको पता है कि वो चीता है? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर पता चल जाएगा तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा और पता नहीं कौन कौन से केस ठोकेगा वो। आईडी की असलियत सुनते सुनते यहाँ तक आएगा? आएगा नहीं, आ रहा होगा, रस्ते में होगा। और मुझे पहचान लिया तो? तुम कटो, कहाँ जाओ? जाओ जाओ जाओ। हनी गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, क्या करेंगे? पुष्पा जी, हाँ, आप अपना नींद का दवाई लाइए आते वक्त। हाँ लाए हैं। तो दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ देते। जल्दी पुष्पा जी। अरे देर है ना, एक तो हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से आप घोड़े पे सवार। दीजिए दीजिए दीजिए, ये लीजिए। और सुनिए, वो अभी पूछताछ करने आएगा, सब आपको संभालना है, और उर्मिला के बारे में सब कुछ पूछेगा। आप सतर्क रहिएगा। और संतू, हाँ तुम हमारे साथ आओ, बहुत गलतियां करती हो तुम। मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को फिर से दिखती है। जाओ जाओ, वहां पे जा। नहीं नहीं, अंदर ही जा रही है मैं, मेरे को डर लग रहा है। हमारा सर दर्द से कितना फटा जा रहा है, सर दर्द की गोली लेनी पड़ेगी अब हमें। सुनो, कुछ भी करके ना इनको बगल वाली गली में ले जाना। हाँ। चीते को वहां से निकालना है, बुलबुल के पास से। ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है और तुम कर सकते हो। जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जाओ। मैं जाऊं? तुम क्या करोगे जब वो जा रही है तो? लेकिन ये संतोष जी से हो पाएगा? तो किससे होगा? तुमसे? एक्सक्यूज मी आंटी, आंटी आंटी आपसे बात कर रही हूँ। मैडम ये शायद भैरी है, इनको समझ नहीं आ रहा है कुछ। मैं ये सुन कह नहीं रही है आंटी कहीं की। लड़की बोलो, लड़की। लड़की बोलो। लड़की सुनिए, लिखा रुकी। मुझसे कहा? जी नमस्ते, मैं संतोष। आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। क्या लगाती हो? हाँ? फेस पे। क्या? फेस पे क्या लगाती हो? तुम्हारी स्किन कितनी प्यारी है, इतनी चमक रही है, इतना ग्लो कर रही है। बताओ मुझे क्या लगाती हो तुम? मैं? अच्छा पूरा प्रोसीजर आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले उठती हूँ ना सुबह, तब ठंडे पानी से अपना मुंह धोती हूँ। संतू मिशन, संतू संतू जाओ जाओ जाओ। मिशन से भटक गई? हाँ। उसके बाद मैं बनाती हूँ फेस पैक। बेसन ले लो, हल्दी ले लो, एलोवेरा जेल ले लो और गुलाब जल ले लो, वो सब मिक्स करके। मिशन गंडों, मिशन गंडों। अरे हाँ, डिस्टर्ब कर रहे। हमें कौन हुआ? हाथी ने कुचल दिया। बड़ा संभालने वाले थे ना वहाँ जाके। हाँ तो फिर 15 मिनट वो लगा कर रखती हूँ, उसके बाद निकाल देती हूँ और फिर बस। अरे इन सब के साथ जो मैं करती हूँ ना, अगर तुम भी वो करोगी ना तो तुम्हारा चेहरा और भी खेल उठेगा। हाँ बताओ बताओ क्या करना है, एक सेकंड ना मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ नोट करो नोट करो। हाँ बोलिए। करेले के पत्तों का रस। संतु। हाँ बस बस हो गया मैडम। हाँ इससे मेरी स्किन और ग्लो करेगी ना। तुम लगा के तो देखो, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी स्किन चमकेगी। अरे नहीं नहीं, आप भी, आप कितनी खूबसूरत है। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, यहाँ पास में नया मंदिर खुला है, इच्छा पूर्ति मंदिर। तो जो भी आप मांगो ना सच्चे मन से, तो सब पूरा हो जाता है। आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलो चलो, बताओ मुझे। जी चलिए आइए। संतू ने तो अपना काम कर दिया, बस चीता को बाहर निकालना है हमें किसी भी हाल में। ये आईडी में फोटो हसीना मलिक का है, लेकिन नाम उर्मिला महादेव मात्रे का है। अरे कौन है ये उर्मिला महादेव मात्रे? अरे कितनी बार तो बताया भाई, ये हमारी दोस्त है बॉम्बे से, उर्मिला महादेव मात्रे। और कितनी बार बताऊं? एक बार और बता दो ना, थोड़ा दिमाग से पैदल है ये। छोड़ भाई यो बता, तारे पास सबूत क्या है कि हमने चोरी करी है फोन की? अरे पुलिस वाले हो चूरण वाले?
ना, कानून तो हम भी जानते हैं, आम आदमी का भी कोई मौलिक अधिकार होता है कि नहीं। ऐसे ही उठा लिए, टप से जेल में बंद कर दिए। सही बात। लेकिन इनका तो बनता भी है, आज तो कौन सा कानून को फॉलो किया है, अब करेंगे ही फॉलो। ये आवाज तो कहीं सुना हुआ लग रहा। ए, तू का हमको पहले से जानता है? ना भाई, हम तो पहली बार मिल रहे। ना ना, बतिया तो ऐसे रहा जैसे हमको पहले से जानता है, मिला है। अबे तेरी शक्ल की लानत देखकर कोई भी बता सकता है कि तू कितना जलील आदमी है। पूरे लखनऊ शहर में तेरे कारनामे फेमस है। कितनी बार सस्पेंड हुआ और हर बार हम लोग वेलकम बैक करके थक चुके हैं। घटिया नीच गिरा हुआ इंसान, और कितनी बार सस्पेंड होगा बताओ? ऐसा हम कहते अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कहते। उर्मिला महादेव महात्रे और हसीना मलिक के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, पता तो करना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।